यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमारा चल रहा है चैप्टर 5, कनेक्ट विद वर्ल्ड यूजिंग इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशंस। इंटरनेट का हम पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट से हम कैसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं और कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जिनका यूज करके हम बहुत सारे वर्क कर लेते हैं। तो इसमें हमने कुछ इसको बढ़ा दिया था और कुछ ये हमारा रह गया था। चलिए बात कर लेते हैं पेज नंबर 100 दिया है और हेडिंग दिया है अंडरस्टैंडिंग ईमेल एड्रेस। तो देखिए, हम पढ़ लेते हैं ईमेल एड्रेस के बारे में आज। जैसे कि भाई ये एक ईमेल आईडी है abc@gmail.com, ठीक है भाई। ये एक ईमेल एड्रेस है abc@gmail.com। मैं सामने से हट गया हूँ, यहाँ पीछे से आवाज़ आ रही होगी अच्छे से। तो जैसे कि इसमें कहा है abc@, फिर gmail लिखा है ना, .com लिखा है। तो ये है क्या क्या, कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो इसको हम जरा डिटेल्स में बताएंगे। पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। टू सेंड और रिसीव एन ईमेल वी नीड ओवर ईमेल आईडी। अगर कोई भी ईमेल हमें सेंड करनी है या फिर रिसीव करनी है तो हमारे लिए जरूरी है कि हमारे पास एक ईमेल आईडी हो। द ईमेल आईडी ऑफ अदर पर्सन, इसके अलावा जिसको हम मेल भेज रहे हैं उसके पास भी ईमेल आईडी हो और जो हमें भेज रहा है उसके पास भी ईमेल आईडी। कुल मिला के अगर हम किसी को फोन करना चाहते हैं तो उसके पास फोन होगा तभी तो हम फोन कर पाएंगे, नहीं होगा तो कैसे कर पाएंगे। सिंपल वे में आप इसे ऐसे समझिए। द गेट ओवर ईमेल आईडी वी नीड टू क्रिएट एन अकाउंट विद एनी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। अगर हमें ईमेल आईडी चाहिए तो हमें जरूरी है कि हम अपना अकाउंट किसी भी सर्विस प्रोवाइडर पर बना लेंगे। अगर हमें ईमेल आईडी की आवश्यकता है, ईमेल आईडी अगर हम चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि आप एक ईमेल अकाउंट किसी भी सर्विस प्रोवाइडर पर बना लीजिए। सर्विस प्रोवाइडर आपका gmail.com है, hotmail.com है, yahoomail.com, readyfill.com, बहुत सारे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको ईमेल की सर्विसेज देते हैं। उस पर आप जाकर किसी भी एक सर्विस प्रोवाइडर पे जाके अपना ईमेल अकाउंट बना सकते हैं। सच एज जीमेल और yahoomail बाय फिलअप द ऑनलाइन फॉर्म। कोई भी हो, जैसे जीमेल है या फिर याहू मेल है, किसी भी अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। फॉर्म फिल मतलब अपने अकाउंट बनाने का जो फॉर्म फिल होता है, फॉर्म फिल करना ही होता है एक तरह से वो, कि उसमें वो फर्स्ट नेम मांगता है, फिर लास्ट नेम मांगता है ना, इस तरह से। पार्ट्स ऑफ ईमेल एड्रेस, तो अब बात करते हैं ईमेल एड्रेस के पार्ट्स की। अलग अलग पार्ट्स हैं। ईमेल एड्रेस ऑलवेज रिटर्न इन द स्पेसिफिक स्टाइल दैट इंक्लूड द यूजर नेम। आपने देखा भी होगा ईमेल एड्रेस हमेशा एक स्पेसिफिक स्टाइल में अपने ही अंदाज में लिखा जाता है, जिसमें यूजर नेम होता है, @ का सिंबल होता है एंड द ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स नेम, और उसमें ईमेल सर्विस जो दे रही है, जो कंपनी सर्विस दे रही है उसका नेम होता है। तो कैसे भाई, ABC ये क्या है हमारा, ये तो है यूजर नेम। सिंबल है और ये gmail.com, ये क्या है, एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। अब ABC ये यूजर नेम है। आप ये नेम आपका कुछ भी हो सकता है, alpineinternational@gmail.com, gagan@gmail.com। तो यूजर नेम आपका कुछ भी हो सकता है, इससे ईमेल वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यूजर नेम के तुरंत बाद क्या लगता है हमारा, @ का सिंबल लगता है। @ का सिंबल किस लिए लगता है, ये भी बड़ा सवाल है। @ का सिंबल लगता है किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का एड्रेस डिफाइन करने के लिए। यूजर नेम के बाद सर्विस प्रोवाइडर का नेम आता है @ के साथ। तो @ का काम होता है एड्रेस को डिफाइन करना, एड्रेस को बताना। तो
एट एक सिंबल हो गया जीमेल। जीमेल एक सर्विस प्रोवाइडर है, एक कंपनी है जो हमें सर्विस दे रही है। जैसे अब एयरटेल है, फोन करते हैं सर्विस दे रही है, तो जीमेल हो सकता है, याहू मेल हो जाएगा, यहाँ पे रेडिट मेल। जिस भी कंपनी से आप अकाउंट बनाते हो उस कंपनी का नाम एट द रेट के बाद आपके सामने आ जाता है। तो ये अलग अलग पार्ट्स थे भाई हमारे जीमेल के। तो समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आप ईमेल एड्रेस को समझ पाए होंगे कि एट द रेट से पहले यूजर नेम आपका कुछ भी हो सकता है, एट द रेट लगेगा, एक सिंबल है एड्रेस को डिफाइन करने के लिए। उसके बाद gmail.com लगा है, ये एक सर्विस प्रोवाइडर का नेम है। यहाँ पर yahoo.mail.com भी हो सकता था, hotmail.com भी हो सकता था। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि कैसे हम एड्रेस को समझ लेते हैं। तो ये एक यूनिक फॉर्म में लिखा जाता है। अब आगे क्या दिया, क्रिएट ईमेल अकाउंट। अगर हमें ईमेल अकाउंट बनाना है तो हम कैसे इसको बनाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस बारे में जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम चलिए एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, समझ लेते हैं कि किसी भी सर्विस प्रोवाइडर पर, चाहे वो याहू हो, हॉटमेल हो, रेडिटमेल.com हो, उस पर हम अपना ईमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। क्रिएट एन ईमेल अकाउंट, लेट्स ओपन ए ईमेल अकाउंट विद द सर्विस प्रोवाइडर जीमेल। तो हम जीमेल पर एक अपना अकाउंट बनाने जा रहे हैं। आप याहू मेल पर भी बना सकते हैं, मर्जी है आपकी, लेकिन हमने यहाँ पर जीमेल लिया। स्टेप वन, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए। स्टेप टू, स्क्रॉल एंड क्लिक द गूगल क्रोम फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू। गूगल क्रोम खोल लीजिए, या आपके डेस्कटॉप पर हो डायरेक्टली आप वहाँ पर क्लिक करके भी खोल सकते हैं। यू मे ओपन एनी ब्राउजर आल्सो, इसके अलावा जरूरी नहीं गूगल क्रोम ही आप खोलो, मोजिला फायरफॉक्स खोल सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल सकते हैं, ओपरा मिनी, ओपरा वैक्स, कोई भी आप वेब ब्राउजर जो आप आपके कंप्यूटर में अवेलेबल है वो खोल सकते हैं। स्टेप थ्री, एंटर द वेब एड्रेस ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर इन द एड्रेस बार ऑफ द वेब ब्राउजर। जब आपने वेब ब्राउजर खोल दिया, उसमें जो सर्च बॉक्स होता है उसमें आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का एड्रेस टाइप कर दीजिए, जैसे जीमेल करना है, याहू मेल, हॉटमेल, कोई भी कर दीजिए। टाइप, इसने स्पेशली इसने पहले ही कह दिया कि हम जीमेल के साथ बना रहे, तो उसने टाइप किया www.gmail.com एंड प्रेस एंटर की, और एंटर की को प्रेस किया। द जीमेल वेलकम पेज विल अपेयर, तो जीमेल का वेलकम पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा, फर्स्ट पेज आ जाएगा जीमेल का। स्टेप फोर क्या दिया है, क्लिक ऑन क्रिएट एन अकाउंट बटन। तो वहां पर आपको एक बटन दिखाई देगा, लिखा रहेगा क्रिएट एन अकाउंट, उस पर आपको क्लिक कर देना है। स्टेप फाइव, एंटर द रजिस्ट्रेशन डिटेल्स एज नीडेड, चूज ए यूजर नेम एंड ए पासवर्ड। तो जैसे आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे, एक तो फॉर्म आ जाएगा आपके सामने जिसमें आपको जो चीज़ें वो मांग रहा है वो फिल करनी होगी, जैसे यूजर नेम वगैरह, पासवर्ड वगैरह, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर वगैरह, इतनी सारी चीज़ें वो मांगता है। क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, एंटर नेसेसरी डिटेल, सब्सिक्वेंट फॉर्म्स, रीड प्राइवेसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन, एंड क्लिक ऑन द एग्री, आई एग्री बटन। तो जीमेल की कुछ टर्म्स और कंडीशंस होती है, उसको भी आप ध्यान से पढ़ते हुए आई एम एग्री वाला जो चेकबॉक्स होता है उसको राइट क्लिक करते हुए ओके कर देंगे। स्टेप सिक्स, जीमेल क्रिएट योर ईमेल अकाउंट, द डिस्प्ले सर्विस वेलकम स्क्रीन, क्लिक ऑन नेक्स्ट। जैसे ही आपका अकाउंट बन जाता है, एक वेलकम स्क्रीन आ जाती है, आपको उस पर नेक्स्ट कर देना है, जीमेल डिस्प्ले योर इनबॉक्स। तो जैसे ही आपकी जीमेल बन जाएगी तो आपका इनबॉक्स आपके सामने होगा। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में मैसेज आते हैं, वहाँ पर इनबॉक्स, आउटबॉक्स, सेंडबॉक्स, ड्रॉपबॉक्स, इस तरह से होता है, तो वहाँ पर भी आपको इस तरह का ही एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा जिसमें आपके सारे मैसेज, वेलकम वगैरह के मैसेज, वो सारे आपको आपकी डिस्प्ले पर दिखाई देंगे। तो इस तरह आप इन 3 से 4 स्टेप का यूज़ करके अपने ईमेल अकाउंट को बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको आता भी है, अच्छी बात है, सभी को आता है लगभग आज के समय में, क्योंकि कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन हो शुरू करने से पहले अकाउंट मांगता है ईमेल अकाउंट। तो आज के समय में बहुत सारे लोग हैं जिनके कई कई ईमेल अकाउंट्स हैं। तो ये था ईमेल अकाउंट बनाने का मेथड। अब बात कर लेते हैं यूजिंग द ईमेल।
हम मेल किसी को भेजना है उसका यूज कैसे करेंगे। आफ्टर क्रिएटिंग द ईमेल अकाउंट यू कैन यूज इट एनी टाइम। जब आपका ईमेल अकाउंट बन जाता है तो उसका आप यूज कभी भी कर सकते हो, कहीं पर भी कर सकते हो। सेंड और रिसीव ईमेल, ईमेल भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए। यू नीड टू साइन इन फॉर लॉगिन टू योर अकाउंट टू यूज। तो अगर आपको इसका यूज करना है तो सबसे पहले आपको अपने ईमेल अकाउंट को लॉगिन करना पड़ेगा, उसमें जाना पड़ेगा। तो लॉगिन कैसे करेंगे वो देख लीजिए। ओपन द वेबसाइट्स ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर एंड एंटर योर ईमेल आईडी। तो वो सर्विस प्रोवाइडर खोल लीजिए जिस पर आपने एक अपनी ईमेल आईडी बनाई है, जैसे जीमेल पे बनाई है तो जीमेल खोल लीजिए। स्टेप टू, क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। जब आप जीमेल खोलोगे तो उस पर एक लिखा रहेगा एंटर योर ईमेल एड्रेस और फोन नंबर, तो वहां पर अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर दीजिए जो आपने बनाया था जब आपने अपना अकाउंट बनाया। फिर नेक्स्ट करिए, उसके बाद पूछेगा एंटर द पासवर्ड, तो जो आपके अकाउंट का पासवर्ड है वो डाल लीजिए। क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन द एंटर इनटू योर अकाउंट्स द मेल बॉक्स ओपन। तो ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी है पासवर्ड, भाई देखिए ईमेल आईडी में पासवर्ड होना मस्ट बी कंपलसरी है। अगर पासवर्ड नहीं है तो आपकी ईमेल अकाउंट का कोई भी गलत इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए एक अच्छा सॉलिड पासवर्ड आपके अकाउंट में होना चाहिए। तो लॉगिन करने के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर पे चले जाइए जिस पर आपने अपना अकाउंट बनाया है, वहां पर ईमेल आईडी लिखिए, नेक्स्ट करिए, फिर पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड डालिए, फिर नेक्स्ट करिए, स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी खुलकर, आपको जो करना है वो आप वहाँ पर कर सकते हैं। अलग अलग ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो इसने एक हेडिंग दिया है, अगर हमें अपनी मेल देखनी है कहीं से हमारे पास मेल आई है, किसी ने हमें ईमेल भेजी है, तो उसके क्या स्टेप रहेंगे कि कैसे हम अपनी ईमेल को देख सकते हैं, तो क्या मेथड है देखिए। स्टेप वन, क्लिक ऑन द इनबॉक्स ऑन द लेफ्ट पैन ऑफ द विंडोज, वेरियस मैसेज विल अपीयर इन द राइट पैन, द मेल दैट आर ओल्ड अनरीड मेल एंड मेल दैट नॉर्मल आर रीड मेल। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपने नहीं पढ़ी वो थोड़ा होल्ड में रहेगी, बोल्ड भी दिखेगी आपको कि ये अनरीड है, जो आप पढ़ चुके हैं वो नॉर्मल हो जाएगी। तो पढ़ते कैसे, जैसे आपके मोबाइल फोन में मैसेज बॉक्स में इनबॉक्स होता है, ऐसे ही आपके ईमेल बॉक्स में भी, ईमेल आईडी पर भी, ईमेल अकाउंट में भी आपके इनबॉक्स आपको मिल जाएगा। वहां जाकर क्लिक कर देना है इनबॉक्स पर, तो जितने भी इनबॉक्स में मेल आई है तो वो सारी शो हो जाएंगे। सेंडिंग मेल, अगर हमें किसी को मेल भेजनी है तो हम उसको कैसे मेल भेजेंगे, उसके क्या स्टेप है वो भी हम देख लेते हैं। द कंपोज ऑप्शन इज यूज्ड टू सेंड मेल टू वन और मोर पर्सन। तो सेंड मेल आप कंपोज ऑप्शन होता है वहां पर, आपको उसकी हेल्प से आप एक या फिर उससे ज्यादा कई लोगों को मेल भेज सकते हैं। टू सेंड एन ईमेल साइन विद योर जीमेल अकाउंट एंड फॉलो दी स्टेप। अपने जीमेल अकाउंट का यूज करके आप मेल भेज सकते हैं, कुछ स्टेप्स दिए हैं नीचे, देखिए क्या कहा है। स्टेप वन, क्लिक ऑन कंपोज ऑन द लेफ्ट पैन विंडो फॉर राइटिंग मैसेज। तो कंपोज करिए, सबसे पहले मैसेज को लिखिए, कंपोज का मतलब है मैसेज को लिखना, आपको क्या भेजना है, तो वो आपको मिल जाएगा लेफ्ट पैन में, प्लस का साइन मिल जाता है या फिर कंपोज भी लिखा रहता है, प्लस का साइन भी रहता है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ए न्यू मैसेज विंडो विल अपीयर, एलिमेंट्स ऑफ द न्यू मैसेज विंडो एज अबाउ द इमेज बिलो। तो नीचे इमेज दी है, जैसी नई विंडो आती है तो इस तरह के ऑप्शन आपको दिखेंगे। वहां पर मिलेगा आपको टू, जब आप क्लिक करोगे कंपोज मेल पर आपको मिलेगा टू, सबसे पहले टी और टू, तो टू में तो भर देना है ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस किसका भरोगे भाई, ईमेल एड्रेस उसका भरना है जिसको आप भेज रहे हैं, टू में भर देना है ईमेल एड्रेस। फ्रॉम में आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाता है, अगर नहीं आ रहा है तो फ्रॉम में अपना भर दीजिए, और सब्जेक्ट में सब्जेक्ट भरिए कि आप किस टॉपिक से रिलेटेड मेल भेज रहे हैं, किस टॉपिक से रिलेटेड आप मेल भेज रहे हैं वो सब्जेक्ट भरिए। उसके बाद पूरा पेज ब्लैंक होता है, वहां पर आप जो चाहे लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। क्या दिया है,
स्टेप टू एंटर द डिटेल्स इन न्यू मैसेज विंडो एंड क्लिक द सेंड बटन टू सेंड द ईमेल। तो इतनी सारी चीजें करने के बाद आपको वहां पर सेंड बटन दिखाई देगा, आप सेंड बटन पर क्लिक कर दीजिए, आपकी ईमेल जिसका आपने टू में एड्रेस भरा है उसके पास पहुंच जाएगी। तो ये थी सिंपल मेल भेजनी। बाय चांस अगर आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर में कुछ फोटोज पड़े हैं, कुछ वीडियोज पड़े हैं, और वो चाहते हैं कि आप अपने दोस्त के साथ शेयर करनी है, अपने दोस्त को भेजना है, तो कैसे हम अपने फ्रेंड को एक ईमेल अपने कंप्यूटर से फाइल वगैरह भी भेज सकते हैं, तो उसका क्या मेथड है? नीचे दिया है मेथड अटैचिंग फाइल, फाइल को अटैच कर सकते हैं। एक ऑप्शन आता है जैसे कंपोज आता है, कंपोज के साथ साथ एक ऑप्शन हो जाता है हमारा अटैचमेंट। अटैचमेंट पर क्लिक करके आपके कंप्यूटर में जो फाइल्स वगैरह पड़ी है जितनी आप चाहते हैं वो आप अटैच करके मेल्स के साथ भेज सकते हैं। कैसे? यू कैन सेंड द फाइल सच एज पिक्चर्स। तो फाइल कौन कौन से हो सकती है? वो आपकी पिक्चर्स हो सकती है, वीडियोज हो सकती है, एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एंड अटैचमेंट विद द ईमेल आर नोट एक्स्ट्रा कोर्स। अगर आप कोई भी ईमेल के साथ मैसेज सिंपल भेज रहे हैं तो भी इतना ही चार्ज लगता है। अगर आप कोई फोटो भेज रहे हैं, कोई वीडियो भेज रहे हैं मेल के साथ, या फिर कोई ग्राफिक्स भेज रहे हैं, तो भी आपकी मेल का चार्ज इतना ही लगेगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपका नहीं लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, भेजते कैसे हैं, अटैच करके फाइल को कैसे भेजते हैं। स्टेप वन, क्लिक ऑन द अटैच फाइल। अटैच फाइल का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, बटन इन द न्यू मैसेज विंडो, ए डायलॉग बॉक्स अपीयर। जब आप कंपोज मेल करते हो विंडो आ जाती है, यहाँ पर टू में एड्रेस दे देते हैं भाई, जिसको भेजना है उसका टू में एड्रेस, सब्जेक्ट क्या है वो, और सेंड से सेंड हो जाती है। लेकिन इस बार हमें कुछ और चीज़ उसमें ऐड करनी है, तो उसी डायलॉग बॉक्स विंडो में जहाँ पर आपने कंपोज किया है अटैचमेंट का ऑप्शन आता है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए, एक नई विंडो खुल जाएगी। सेलेक्ट द फाइल टू अटैच। तो जैसे ही आप अटैचमेंट पर क्लिक करेंगे तो नई विंडो जो खुलेगी वो कंप्यूटर की विंडो होगी, उसमें आपका पूरा कंप्यूटर शो होगा, जहाँ पर आपकी फाइल है, जो फाइल आपको भेजनी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद वो फाइल अटैच हो जाती है। क्लिक ऑन ओपन बटन, वेट फॉर वाइल फाइल बीइंग अटैच। थोड़ी देर टाइम लेगा, उसके बाद आपकी फाइल को कंप्यूटर अटैच कर देगा। आफ्टर द फाइल अटैच, जैसे ही फाइल अटैच हो जाती है, द न्यू मैसेज विंडो ओपन अगेन एंड वी कैन सी हाइपरलिंक ऑन द अटैच फाइल। तो आपको हाइपरलिंक मिल जाएगा उस फाइल का, और आप उसे सेंड आसानी से कर सकते हो। क्लिक ऑन सेंड बटन, सेंड बटन पर क्लिक कर दीजिए तो आप आसानी से भेज पाओगे। नेक्स्ट दिया है क्लोजिंग द मेल बॉक्स। अगर हमें अपना मेल बॉक्स बंद करना है तो हम उसे कैसे बंद करेंगे? वन, फिनिश वर्क विद योर ईमेल अकाउंट्स, इंपॉर्टेंट साइन आउट फ्रॉम योर अकाउंट्स एंड क्लोज द मेल बॉक्स टू अवॉइड द मिसयूज बाय एनीवन एल्स। अगर आपका मेल का वर्क कंप्लीट हो जाता है तो जरूरी होता है आपको अपनी आईडी से साइन आउट करने के लिए बाहर आ जाए, बाहर आ जाइए, आप साइन आउट हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया है मेल आईडी खुली रहेगी तो आपके मेल आईडी का कोई मिसयूज कर सकता है, कोई गलत यूज कर सकता है। तो क्या मेथड है अगर हमें अपनी मेल आईडी बंद करनी है, साइन आउट करना है, बाहर आना है, अगर हमारा वर्क फिनिश हो गया है, तो कौन कौन से वो स्टेप्स हैं जिनकी हेल्प से हम बाहर आ सकते हैं? स्टेप वन, क्लिक ऑन द गूगल अकाउंट बटन ऑन द राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो। गूगल अकाउंट बटन पर क्लिक कीजिए जो राइट साइड में आपके कॉर्नर में मिलेगा, तो इधर राइट साइड में कॉर्नर में मिलेगा गूगल अकाउंट का बटन। एक विंडो आपके सामने खुल जाएगी, एक लिस्ट आएगी, जैसे आप उस बटन पर क्लिक कर देते हैं एक लिस्ट खुल के आएगी, उसमें एक ऑप्शन होगा क्लिक ऑन साइन आउट ऑप्शन, साइन आउट ऑप्शन टू क्लोज योर अकाउंट एंड गेट बैक टू जीमेल होम पेज। तो ऐसा आपने जैसे ही साइन आउट पे क्लिक किया तो आप अपनी ईमेल आईडी से बाहर आ जाओगे जीमेल अकाउंट के होम पेज पर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था मेथड ईमेल कैसे बनाते हैं, कंपोज कैसे करते हैं, भेजते कैसे हैं, बंद कैसे। तो ईमेल यहाँ तक फिनिश। एप्लीकेशन है इंटरनेट की ईमेल, क्योंकि हम पढ़ भी यही रहे हैं,
इट्स एप्लीकेशंस, तो ईमेल भी एक इंटरनेट की एप्लीकेशन है जिसके बारे में हमने आज पढ़ा। नेक्स्ट एप्लीकेशन आ रही है हमारी ब्लॉग्स। अब ब्लॉग्स क्या है भाई? ब्लॉग्स एक एडवर्टाइजमेंट होता है, ये भी ईमेल आईडी की तरह ही होता है। ईमेल आईडी पर आप अपना अकाउंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए करते हैं, लेकिन इसमें अकाउंट बनाया जाता है कुछ जो एडवर्टाइजमेंट है उनको देने के लिए, ताकि लोग हमारे एडवर्टाइजमेंट को पसंद करें, हमारे थॉट्स को पसंद करें। डेली थॉट्स अगर देने हैं तो उसके लिए हम ब्लॉगिंग वेबसाइट्स का यूज कर सकते हैं। ब्लॉगिंग वेबसाइट का यूज भी हम तभी करेंगे अगर हमारा अकाउंट है इस वेबसाइट पर, जैसे जीमेल पे अकाउंट होता है, फेसबुक पे अकाउंट होता है, ट्विटर पे अकाउंट होता है, ऐसे ही ट्विटर पे भी हमारा अकाउंट होता है, भी व्हाट्सएप पे होता है, फेसबुक पे होता है। तो इस तरह ब्लॉगिंग पे भी जो ब्लॉग्स होते हैं हमारे, इस पर भी हमारा अकाउंट होना चाहिए। कैसे? ए ब्लॉग इज ए अब्रीवेशन ऑफ ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग इज ए एक्ट ऑफ रिटन ए ब्लॉग, ए ब्लॉगर इज समवन रिटर्न्स द कंटेंट्स फॉर ए ब्लॉग, ब्लॉग ऑफ्टन मेड द पॉलिटिकल टॉपिक्स, स्पोर्ट्स, वेब डिजाइन, गैजेट्स एंड द ब्लॉग टाइपिकली फोकस ऑन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर। सम ऑफ द पॉपुलर ब्लॉगिंग साइट्स आर wordpress.com, tumblr.com और blogger.com। तो ब्लॉगर्स क्या है भाई? ब्लॉग्स क्या है? एक सिंपल वे में डेली डायरी होती है आपकी, जिसमें आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर रोज एक थॉट डाल देते हैं इंटरनेट पर, जिसे लोग पसंद भी करते हैं और लाइक भी करते हैं। ठीक है भाई, तो ब्लॉग क्या है? ऑनलाइन डायरी है जिसमें आपके थॉट्स लोग रोज पढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ब्लॉगिंग, कुछ खास बातें ब्लॉगिंग की, क्या खास बातें हैं? द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ ब्लॉगिंग आर, कुछ मुख्य विशेषताएं नीचे दी हैं। इट इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टू रीच आउट द मेनी पीपल्स एट सेम टाइम, इससे आप बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो। इट अलाउ पीपल टू हैव डिफरेंट पैलेट्स ऑफ ए डिफरेंट प्रोफाइल, पोस्ट देयर व्यूज एंड कमेंट्स, अलग अलग लोग अलग अलग तरह के थॉट्स देते हैं, अलग अलग जगह पर आप एक दूसरे से अटैच हो सकते हैं, उनके थॉट्स और उनके व्यूज, उनके कमांड्स, उनके जो कमेंट्स होते हैं वो आप आसानी से देख सकते हैं। वी कैन एक्सप्रेस ओवर आइडियाज एंड व्यूज थ्रू ब्लॉग्स, हम अपने आइडिया और हमारे पास जो आइडिया आते हैं, जो व्यूज आते हैं, उनको हम ब्लॉग के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। वी प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू शोकेस और राइटिंग स्किल, और हमारी राइटिंग स्किल यानी कि लिखने की जो क्षमता है, कुछ लोगों को लिखने का बहुत शौक होता है, उसको भी ये इम्प्रूव करता है। तो ये कुछ एडवांटेज थी भाई ब्लॉग्स की। ब्लॉग्स भी हमारा ट्विटर और आपका इंस्टा की तरह ही है, जिसमें हमें दोस्त एक दूसरे से जुड़ते हैं। डेली डायरी है बस ये, इंटरनेट पर बहुत सारे थॉट्स शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास? इंट्रोडक्शन टू सोशल मीडिया। अब बात कर लेते हैं सोशल मीडिया की, जिससे आज के समय में बहुत सारे लोग जुड़े हैं। लगभग सभी आज के समय में सोशल मीडिया पर जुड़े हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को आपस में जोड़ता है। कहीं पर भी बैठ करके आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले क्या दिया है अभी? इंट्रोडक्शन टू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इज ए फैसिलिटी दैट अलाउ अस टू मेक द कनेक्शन विद फ्रेंड्स। सोशल मीडिया एक ऐसी फैसिलिटी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें कहीं पर भी, कभी भी, किसी भी समय कनेक्ट कर देता है, जोड़ देता है। किससे? विद फ्रेंड्स, हमारे दोस्तों से, फैमिलीज, हमारी परिवार अगर बाहर रहते हैं उनसे, क्लासमेट से, कस्टमर से एंड क्लाइंट्स, अगर आप दुकानदार हैं तो अपने कस्टमर और क्लाइंट से भी जुड़ पाएंगे। ये सोशल मीडिया नेटवर्क वेबसाइट्स ब्रिंग पीपल टुगेदर टू टॉक, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक साथ उस पर बात करते हैं, बहुत सारे। शेयर आइडियाज और मेक न्यू फ्रेंड्स, अपने अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, अपने अपने थॉट्स को शेयर करते हैं और नए फ्रेंड्स बनाते हैं। सम ऑफ द सोशल मीडिया साइट्स आर, कुछ सोशल मीडिया साइट्स हैं हमारे पास, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हैंडल etc। तो सबसे पहले फेसबुक के बारे में आप सभी जानते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो फेसबुक का यूज़ भी करते हैं, इंस्टा का भी यूज़ करते हैं, ट्विटर का भी करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फेसबुक के बारे में पढ़ लेते हैं।
फेसबुक इज ए मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स विच अलाउ रजिस्टर्ड यूजर टू कनेक्ट विद द फ्रेंड्स। फेसबुक आज के समय में सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली सोशल नेटवर्किंग साइट है, जिसके थ्रू रजिस्टर लोग, जिस पर रजिस्टर मतलब जिनकी आईडी है, जो फेसबुक पर रजिस्टर है, जिन्होंने अपने अपने अकाउंट्स बनाए हैं, वो लोग कहीं पर भी अपने दोस्तों के साथ, अपने कजन्स के साथ जुड़ सकते हैं, आसानी से जुड़ सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? बस शेयरिंग पिक्चर्स, फोटोज भेज सकते हैं, पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं, म्यूजिक वीडियोज एंड आर्टिकल्स, आर्टिकल भी दे सकते हैं, और देयर ओन थॉट्स, और अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस। सम पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज आर, तो इतनी सारी चीज़ें आप सोशल मीडिया पर कर सकते हो। तो कुछ पॉपुलर सर्विस है सोशल मीडिया की, पढ़ लेते हैं भाई। सबसे पहली सर्विस फेसबुक, पता नहीं, जरूरत नहीं, इतना बड़ा नाम है, सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी बता देते हैं। फेसबुक इज द वन ऑफ द टॉप मोस्ट सोशल नेटवर्किंग सर्विस लॉन्च्ड इन फरवरी 2004। फरवरी 2004 में हमारे पास फेसबुक आई थी, और ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली सर्विसेज है। इट वॉज फाउंडर बाई मार्क जुबर्ग, इसके जो फाउंडर हैं मार्क जुबर्ग, विद हिज कॉलेज रूममेट, इनिशियली फॉर द यूज ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ा अपने क्लासमेट के साथ, रूममेट के साथ स्टूडेंट्स, बट वॉज द लेटर ओपन टू कॉमन पब्लिक इन 2006। और इन्होंने इसको बनाया, और ये कॉमनली जो पब्लिक में फेमस हुई, लोगों में इसके बारे में जानकारी हुई, वो 2006 में हुई। फेसबुक हैज़ बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो नीचे फेसबुक की कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ये देख लेते। मार्क जुबर्ग है भाई, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, उन्होंने इसको बनाया है फेसबुक को। 2004 में उन्होंने बना लिया था, लेकिन ये फेमस कब हुई? ये फेमस हुई 2006 में, जब लोगों के बीच में ये आई, तब लोगों को उसके बारे में पता चला। तो कुछ खास बातें हैं वो देख लेंगे, और कुछ खास बातें नहीं है वो देख लेते हैं। एडवांटेज ऑफ फेसबुक, इट्स मेक इजी टू यू कनेक्ट एंड शेयर विद फैमिली, फ्रेंड्स, बिजनेस एसोसिएट ऑनलाइन। ये आपको बड़ी जल्दी से अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या फिर अपने क्लाइंट्स के साथ जोड़ देता है, कहीं पर भी, किसी भी समय। यू कैन अपलोड पिक्चर्स, आप इस पर अपने पिक्चर्स, जो आपने फोटो खींचे, देख सकते हैं, कभी भी अपलोड कर दीजिए और कभी भी देखें। स्ट्रीम लाइव वीडियो, लाइव वीडियो डाल सकते हैं, देख सकते हैं। प्ले गेम्स, गेम्स भी प्ले कर सकते हैं। पोस्ट कमेंट्स, कमेंट पोस्ट सकते हैं। शेयर फोटोग्राफ्स एंड द न्यूज, इंक्रीजिंग कंटेंट, वेब चैट, लाइव चैट, ETC। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें भी आप इसमें कर सकते हो। इन द मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें, मार्केट के हिसाब से देखें, क्या है? फेसबुक इज द विजुअल टू क्रिएट द ब्रांड, नॉट ओनली फॉर इंडिविजुअल बट इज ऑल्सो बिजनेस एट द ग्लोबल लेवल। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता, अपने बिजनेस से अपनी आईडी बनाई और अपने अपने प्रोडक्ट डाली और एडवर्टाइजमेंट फ्री में हो जाता है, ग्लोबल लेवल पे, पूरे वर्ल्ड में एडवर्टाइजमेंट। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ व्हेन यू लाइक और ज्वाइन न्यू ग्रुप एंड पेज, यू कैन कीप योर सेल्फ अप टू डेट ऑफ द लेटेस्ट न्यूज एंड हेडिंग फॉर योर एरिया। जब आप जुड़ जाते हैं फेसबुक पर, तो आप जो है इसमें अपने एरिया से लेटेस्ट जॉब आइडियाज, क्या क्या हो रहा है हमारे एरिया में, सबसे आप कनेक्ट रहते हैं, अप टू डेट रहते हैं। तो ये तो थी खास बातें, अब देख लेते हैं कुछ खराब बातें, डिसएडवांटेज। द फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ फेसबुक इज द प्राइवेसी ऑफ द यूजर, मोस्ट पीपल आर नॉट प्रॉपरली यूजिंग प्राइवेसी ऑप्शन एंड फीचर। सबसे बड़ी प्राइवेसी की ही प्रॉब्लम रहती है, कुछ लोग फेसबुक आईडी बना लेते हैं, लेकिन अपने अकाउंट पर अच्छे से प्राइवेसी नहीं लगाते हैं, अच्छे से पासवर्ड नहीं लगाते हैं। तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही है कि ये अपने आप से आपके अकाउंट को सिक्योर नहीं करता। When you become Facebook addictive, you will watch your previous times, it will consume your most usable time। और जब आप फेसबुक पर बिना वजह लगे रहते हैं, कोई काम नहीं होता, तो आप अपना इंपॉर्टेंट टाइम भी खराब कर देते हैं। तो टाइम कंज्यूम करने के लिए भी एक डिसएडवांटेज हमारी फेसबुक की आती है। तो ये थी हमारी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज।
आगे क्या दिया है, ट्यूटर, इसके बारे में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।